नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ पे कूट कूट कर जो है टैलेंट भरा हुआ है, बस उस टैलेंट को निखारने की जरूरत है। और मैं अभी एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंचा हुआ हूं, आप पीछे मेरे पीछे पोस्टर को देख सकते हैं, नस्ले बिहार सीजन 2 ऑडिशन बिगिन। और जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ग्रुप ए में जूनियर एज 3 से 13 और ग्रुप बी में सीनियर एज ए से 14 प्लस। जो भी बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, जिनमें प्रतिभा है, उनके लिए यहाँ पर ऑडिशन का व्यवस्था की गई है। जो भी बच्चे में टैलेंट छुपा हुआ है वो यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाएंगे और टैलेंट को जो है आगे फिर मौका दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो अपने बच्चों में क्या प्रतिभा देखती हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। क्या लगता है कि आज यह ऑडिशन का आयोजन किया गया है, बच्चे में क्या क्या प्रतिभा आप लोग देखती हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं? उसमें बचपन से ही उसे डांस का बहुत ही शौक़ है। कहीं भी पार्टी में जाना उसे डांस करना बहुत पसंद रहता है। डीजे रहता है तभी वो डांस करता था, ये पार्टी में जाता था। इसलिए हम लोग को लगा कि इसे आगे बढ़ाने के लिए हमको डांस क्लास इसको ज्वाइन कराएं। वहाँ वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और आज आप लोग देख सकते हैं, आज वो फर्स्ट परफॉर्मेंस है, वो वेट कर रहा है परफॉर्मेंस का। क्या बाबू, आज यहाँ पे ऑडिशन में आए हो, क्या लगता है फर्स्ट प्राइज जीत जाओगे? हाँ हाँ, डांस में इंटरेस्ट है? कब से इंटरेस्ट है? बचपन से। क्या बनना है आगे चल के? डांसर बनना है। फेवरेट डांसर कौन है तुम्हारे? माइकल जैक्सन। अरे वाह, देख सकते हैं कि माइकल जैक्सन जो है पसंदीदा डांसर। और भी बच्चों से बात करेंगे, बाहर काफ़ी सारे बच्चे हैं। सबसे पहले चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बिहार के जहां तक बच्चों की बात है, यहां पे टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है, वेदर वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, या कोई भी वेरियस अदर फील्ड्स हो, यहां पे बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसी वजह से हम लोग नचले बिहार का सीज़न 2 लेकर के आए हैं, जो कि 2 सालों से पेंडिंग था कोरोना की वजह से, एंड फाइनली हम लोग अब कर पा रहे हैं उसे। नचले बिहार का सीज़न 1 हुआ था और उसके बाद कोरोना के वजह से सब कुछ लॉकडाउन में चला गया था, तो ये सीज़न 2 है। वैसे बिहार के ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। आपको वो DID में भी है, आपको डांस दीवाने में भी गए हैं, तो यहाँ पे जितने भी डांसर्स हैं और जितने भी डांस क्लासेज हैं, वहाँ के टीचर्स लोग इतने एक्सपर्ट हैं, वो बच्चों को इतने अच्छे से तालीम देते हैं, वो लोग मुंबई तक जाते हैं। अभी आपको वायरस डांस एकेडमी का एक बच्चा है जो कि बंगाल बैटल जीत करके आया है। तो यहाँ पे टैलेंट्स की कमी नहीं है, ना ही अच्छे डांसरों की कमी है। देखते हैं आगे क्या होता है, सारे बच्चे तो टैलेंटेड है ही, यहाँ पे बस अपना प्रतिभा उनको निखारना है। देखते हैं आगे क्या होता है। पेरेंट्स को देखना है, डांस के लिए लोग पहले बहुत हिचकते थे, लेकिन अब है कि धीरे धीरे पेरेंट्स भी खुल के आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी, बच्चा आपका जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उसमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, और डांस तो आज की डेट में डांस बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। दोस्तों, देख सकते हैं कि तमाम जगहों से जो है यहाँ पे पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं, बच्चे पहुँचे हुए हैं ऑडिशन के लिए। बच्चे यहाँ पे क्यूट क्यूट से बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे बच्चे जो हैं डांसर हैं और डांस करके अपने प्रतिभा को दिखलाएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे जज किया जाएगा कि कौन सा बच्चा बेहतर है जिसे आगे मौका देना चाहिए। क्या लगता है आप लोग किस लिए पहुँचे यहाँ पे? डांस के लिए। डांस अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनना है आगे चलकर? डांसर। फेवरेट डांसर कौन है आप लोग का? राहुल सर। आपका? राहुल सर। आपके फेवरेट डांसर कौन है? हाँ? आपके फेवरेट डांसर कौन है? टोनी कक्कर। देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? समीर। बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं यहाँ पहुँचे हैं और इन बच्चों में झिझक नहीं है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं।